आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई हो, सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। आज हम बात करने वाले हैं लाल किताब दृष्टि के बारे में। लाल किताब वर्षफल, मकान कुंडली, फल कथन, रेमेडीज, सभी चीज़ में लाल किताब दृष्टियों का बहुत ही एक मेजर रोल है। और लाल किताब दृष्टि के ही इर्द गिर्द पूरी की पूरी लाल किताब भ्रमित है। अगर आप लाल किताब दृष्टि समझ लेते हो तो लाल किताब समझनी आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो लाल किताब की दृष्टियां हैं वो वैदिक से बिल्कुल अलग है। इसलिए अलग है क्योंकि वैदिक में हम 25% 50% की दृष्टियों को महत्व नहीं देते, जिसको हम लाल किताब में महत्व देते हैं। पढ़ा आपने भी है कि 25% दृष्टि होती है, 50% दृष्टि होती है, लेकिन वैदिक में उसका इम्पोर्टेंस नहीं होता, लाल किताब में उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आइए समझते हैं लाल किताब दृष्टि। सबसे पहले हम बात करते हैं भाव दृष्टि के बारे में। भाव दृष्टि, तो भाव दृष्टि कुछ इस तरह है। फर्स्ट हाउस सेवेंथ हाउस को देखता है। इसमें एक चीज ध्यान रखें कि ये जो डॉट है, डॉट का मतलब है कि ये भाव उस भाव को देख रहा है, ये भाव फर्स्ट भाव को नहीं देखेगा, सप्तम फर्स्ट को नहीं देखेगा, फर्स्ट सेवेंथ हाउस को देख सकता है। फोर्थ हाउस टेंथ हाउस को देखेगा, फोर्थ हाउस टेंथ हाउस को देखेगा। ये जो मैंने ब्लू लाइंस में है, ये है 100% दृष्टि, 100% दृष्टि। ये अगर दृष्टि होती है तो इस दृष्टि को हम कंजंक्शन की तरह कंसीडर कर सकते हैं। फर्स्ट हाउस का रिजल्ट सेवेंथ हाउस में मिलना निश्चित है, फोर्थ हाउस का रिजल्ट टेंथ हाउस में मिलना निश्चित है, ये याद रखें। अब हम बात करते हैं 50% दृष्टि के बारे में। 50% दृष्टि के बारे में, तो फिफ्थ हाउस नाइन्थ हाउस को देखता है 50% से, थर्ड हाउस इलेवेंथ हाउस को देखता है 50%। कई बुक्स में ये भी दिया गया है, थर्ड हाउस नाइन्थ हाउस को भी देखता है 50% दृष्टि से। तो ये जो है ये हमारी है 50% दृष्टि। अब हम बात करेंगे 25% दृष्टि के बारे में। सेकेंड हाउस सिक्स्थ हाउस को देखता है, एट्थ हाउस सिक्स्थ हाउस ट्वेल्थ हाउस को देखता है। ये है हमारी भाव दृष्टि। इसे अच्छी तरह से समझ लें, ये याद भी रखें ये कौन सी दृष्टि है, क्योंकि भाव दृष्टि मदत दृष्टि, टक्कर की दृष्टि और फिर ग्रह की दृष्टि, बहुत अलग अलग चीजें हैं, बहुत अलग अलग तरह से आपको याद करनी होंगी। अभी आप भाव दृष्टि देख रहे हैं और भाव दृष्टि ये है, इसे अच्छी तरह से याद कर लें। अब हम बात करते हैं मदद दृष्टि की। अब मदद दृष्टि में सिंपल लॉ है फाइव, फर्स्ट ट्वेल्थ सेकेंड थर्ड
फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ। बस अपने से पंचम भाव पर हमारी मदद होती है, बस आपको इतना समझना, और इसमें कुछ नहीं है। हम अपने से पंचम भाव पर हमारी मदद करेंगे, हमको मदद नवम भाव देगा। ये याद रखें, मैं फिफ्थ हाउस को मदद दूंगा, मुझे मदद नाइन्थ हाउस देगा। मैं फिफ्थ हाउस को मदद दूंगा, फिफ्थ हाउस नाइन्थ हाउस को मदद देगा, नाइन्थ हाउस मुझे मदद देगा। अब हम बात करते हैं टकराव दृष्टि। तो टकराव में सिंपल सी चीज हमें यह समझनी है कि यहां हम एट्थ दृष्टि को महत्व देंगे। फर्स्ट हाउस एट्थ हाउस को टक्कर मारेगा और सिक्स्थ हाउस फर्स्ट हाउस को टक्कर मारेगा। सिक्स्थ से एट्थ फर्स्ट हो जाता है, फर्स्ट से एट्थ एट्थ हाउस हो जाता है। ऐसे ही हम आगे चलते हैं तो सेकेंड हाउस नाइन्थ हाउस को टक्कर मारेगा और नाइन्थ हाउस फोर्थ हाउस को टक्कर मारेगा। फोर्थ हाउस इलेवेंथ हाउस को टक्कर मारेगा, इलेवेंथ हाउस बैक सिक्स्थ हाउस को टक्कर मारेगा। तो टक्कर में सिर्फ हमसे जो भी अष्टम दृष्टि पर है उसे हम टक्कर मारेंगे। सिंपल सा लॉ ये। अब हम समझते हैं बुनियाद दृष्टि। तो बुनियाद में हमें सिंपल सी चीज ये समझनी थी कि मदद दृष्टि में हमें कौन मदद दे रहा था। फर्स्ट हाउस को कौन मदद दे रहा था? फर्स्ट हाउस को नाइन्थ हाउस मदद दे रहा था, तो फर्स्ट हाउस की बुनियाद नाइन्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस को कौन मदद दे रहा था? फर्स्ट हाउस, तो फिफ्थ हाउस की बुनियाद क्या होगी? फर्स्ट हाउस। नाइन्थ हाउस को मदद कौन सा हाउस दे रहा था? फिफ्थ हाउस, तो नाइन्थ हाउस की बुनियाद क्या होगी? फिफ्थ हाउस। ऐसे ही आप सब कुछ अपने हिसाब से वो चार्ट जो है वो कंप्लीट कर लें। बुनियाद में जो नंबर रहता है वो होता है नाइन। हमसे जो भी नवम स्थान पर है वो हमारी बुनियाद होगी, हमसे जो भी फिफ्थ हाउस पर है उसको हम मदद देंगे, ये याद रखें। अब हम बात करते हैं धोखे की दृष्टि के बारे में। तो धोखे की दृष्टि, टेंथ दृष्टि जो होती है वो धोखे की दृष्टि होती है। फर्स्ट हाउस से टेंथ हाउस एक धोखे की दृष्टि आएगी, सेवेंथ हाउस से फोर्थ हाउस पर, फोर्थ हाउस से, ये धोखे की दृष्टि हो गई। फर्स्ट हाउस टेंथ हाउस को धोखा देगा, टेंथ हाउस सेवेंथ, सेवेंथ को फोर्थ, फोर्थ को फर्स्ट। याद रखें एरो का मतलब और डॉट का मतलब, ये आपकी उलझन को सॉल्व करने की चीज सिर्फ एरो एंड डॉट है। डॉट का मतलब है मैं और धोखा मतलब वो, मैं उसको धोखा दूंगा। फर्स्ट हाउस टेंथ हाउस को धोखा देगा, टेंथ हाउस सेवेंथ हाउस को धोखा देगा, सेवेंथ हाउस फोर्थ हाउस को धोखा देगा। इसका तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ ये होता, इस चीज का ध्यान रखें। मैंने जैसे बोला फर्स्ट हाउस एंड फिफ्थ हाउस में एरो जो मदद का था वो फर्स्ट हाउस से फिफ्थ हाउस में था, तो मतलब फर्स्ट हाउस फिफ्थ हाउस को मदद देता है, फिफ्थ हाउस फर्स्ट हाउस को मदद नहीं देता। नाइन्थ हाउस फर्स्ट हाउस को मदद देता है, फर्स्ट हाउस नाइन्थ हाउस को मदद नहीं देता। अब वो लिंक के थ्रू हम कई बार मदद बोल देते हैं वो एक सेकेंडरी बात है, बट मेन बात यह है कि जिस भी दिशा में एरो है, जिस घर में एरो है, उस घर में फर्स्ट हाउस का रिजल्ट इस हाउस में आएगा,
धोखे का, ये याद रखें। लाल किताब की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज मुस्तरका दृष्टि या मुस्तरका घर। अब मुस्तरका दृष्टि या मुस्तरका घर में आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है। फर्स्ट हाउस फोर्थ हाउस आपस में मुस्तरका घर है। एरोज का ध्यान रखें, एरोज का मतलब फर्स्ट हाउस का प्लैनेट इस हाउस में जा सकता है। फर्स्ट हाउस का प्लैनेट इस हाउस में जा सकता है। फर्स्ट हाउस का प्लैनेट ट्वेल्थ हाउस में नहीं जा सकता। फर्स्ट हाउस का रिजल्ट ट्वेल्थ हाउस में नहीं जा सकता, ये याद रखें। हाँ, ट्वेल्थ हाउस का रिजल्ट फर्स्ट हाउस में आ सकता है। टेंथ हाउस का रिजल्ट फर्स्ट हाउस में आ सकता है। ये है मुस्तरका दृष्टि, मुस्तरका घर। अब इसमें छोटी सी चीज याद करने की है, एरोज। वो हम स्टार्टिंग से ही बोल रहे हैं, एरोज अच्छी तरह देखें और याद करें। अब हम बात करते हैं अचानक चोट और ग्रह की दृष्टि या आम दृष्टि के बारे में। दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, दोनों चीजों को बहुत ध्यान से देखें। अचानक चोट, एरोज देखते रहें, एरोज दोनों साइड से ओपन है, मतलब फर्स्ट का सेवेंथ पर, सेवेंथ का फर्स्ट पर, फोर्थ का टेंथ पर, टेंथ का फोर्थ पर। ये है अचानक चोट, ये वाला, ये है अचानक चोट। अब हम बात करेंगे आम दृष्टि, ग्रह की दृष्टि के बारे में। तो हमें ग्रह की दृष्टि के बारे में पता है कि फर्स्ट हाउस में बैठा ग्रह सेवेंथ हाउस को देखता है एंड सेवेंथ हाउस का फर्स्ट हाउस को भी देखता है। फोर्थ हाउस टेंथ हाउस, एरोज दोनों ओपन है, दोनों एरोज ओपन है, इसमें भी और इसमें भी। अब आम दृष्टि में हम बोलते हैं कि सप्तम ग्रह का फर्स्ट हाउस को भी देखता है, फर्स्ट हाउस का सप्तम भाव को भी देखता है। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है और ये आगे आने वाले समय में इस चीज का, भाव दृष्टि का, इसका जितने भी मैंने दृष्टि बताई सबका अलग अलग महत्वपूर्ण एक अलग विषय है। आम दृष्टि ग्रह में बहुत, ग्रह के उपाय में बहुत काम आती है। भाव दृष्टि ग्रह के उपाय में बहुत काम आती है। अचानक चोट वर्षफल में बहुत काम आती है। टकराव वर्षफल में बहुत काम आती है और कुंडली एनालिसिस में भी बहुत काम आएंगे। तो ये हमने आज दृष्टि पढ़ी, ये सारी की सारी दृष्टियों का बहुत अलग अलग रूप में महत्व है, ये याद रखें। और ये याद रहेगा तभी हम आने वाले समय में जब कुंडली फल कथन के बारे में पढ़ेंगे या फिर हम रेमेडीज के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा क्यों अष्टम भाव के या छठे भाव के ग्रह के लिए हम सेकेंड हाउस का जिक्र या फर्स्ट हाउस के प्लैनेट के लिए एट्थ हाउस का जिक्र क्यों कर देते हैं। वो आपको हर एक चीज समझ आएगी और वो चीज तभी समझ आएगी अगर आपको ये समझ आएगा कि फर्स्ट हाउस सेवेंथ हाउस एंड एट्थ हाउस लिंक है। कुछ चीजें आपको हाउसेज में भी समझ आएंगी। तो आज के लिए इतना ही, आशा करते हैं आज का विषय आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।